हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एजुकोनर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, SSC आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टेटिक जीके के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इसराइल की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा न्यू सेकल। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, USA एवं कनाडा के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आंसर है 49वीं समांतर रेखा। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आंसर है रॉबर्ट पीरी, USA से। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उत्तर है आरती साहा। अगला क्वेश्चन, नाटो संगठन की स्थापना कब हुई? उत्तरी अटलांटिक गठबंधन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो का फुल फॉर्म द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। करंट अफेयर के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? आंसर है इसराइल। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS इसराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इसराइली वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए TCS को चुना है, जिसका मकसद उसके बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाना है। करीब 40 वर्ष में इसराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला पहला बैंक है और इसकी शुरुआत साल 2021 में होगी। इस पहल को वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। इसराइल की राजधानी है जेरूसलम, करेंसी न्यू सेकल्स और जिसके प्रेसिडेंट है रूबेन रिवलिन और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और पार्लियामेंट है नेसेट। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने COVID-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है कोविड इंडिया सेवा। इसका उद्देश्य COVID-19 जैसी संकट की स्थिति में के दौरान रियल टाइम में पारदर्शी ई गवर्नेंस सेवाओं को सक्रिय करना और बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। एक कोविड इंडिया सेवा एक डैशबोर्ड के माध्यम से कार्य करता है, जो बड़ी मात्रा में ट्वीट किए गए मैसेजों को संशोधित करने में मदद करता है, उन्हें समाधान योग्य बनाता है और फिर उन्हें रियल टाइम समाधान के लिए संबंधित प्राधिकरण को सौंपता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? तो इसका आंसर है 7 साल। दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी लंबा है बट इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। मोदी सरकार ने डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने हेतु एक कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है। प्रस्तावित कानून में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक स्टाफ समेत अन्य सभी स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला या उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गैर जमानती बना दिया गया है। दोषी पाए जाने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसका आधार हमले और उत्पीड़न की गंभीरता को बनाते हुए सजा को 2 श्रेणी में बांटा गया है। यदि अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं है तो सजा के तौर पर 3 महीने से 5 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही 50,000 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। यदि अपराध ज़्यादा गंभीर है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद, साथ में 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन इमिग्रेशन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? इसका जवाब है 60 दिन। अमेरिकी सरकार ने आगामी 60 दिन के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध स्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हालांकि इस कदम का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो अस्थायी तौर पर देश में आ रहे हैं। इस प्रकार H-1B जैसे गैर आवेदन कार वीज़ा पर रह रहे हैं और लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। H-1B वीज़ा मुख्य तौर पर प्रौद्योगिकी के विदेशी पेशेवरों को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, COVID-19 की स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है रक्तकोष, ई रक्तकोष।
ई रक्त कोष की शुरुआत 7 अप्रैल 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसे सभी हितधारकों के साथ विकसित किया गया है। यह वेब आधारित तंत्र राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से एकीकृत करता है। यह एप्लीकेशन न केवल एक मोबाइल पर निकटतम ब्लड बैंक को जानकारी प्रदान करेगा बल्कि किसी दिए गए क्षेत्र में विशेष रक्त समूह की उपलब्धता के बारे में भी बताएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जिसका सही जवाब है 23 अप्रैल। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्मतिथि तथा मृत्यु तिथि होने के कारण अंग्रेजी भाषा दिवस चुना गया है। अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो अलग अलग देशों और संस्कृति से आने वाले लोगों को साथ में जोड़ती है। अंग्रेजी उन 6 भाषाओं में शामिल है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने दिवस के रूप में घोषित किया है। अंग्रेजी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है लेकिन बिजनेस और एजुकेशन में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया? इसका जवाब है आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अनुसूचित जनजाति ST शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार पर दोनों पर जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शेन लूंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है जो 4 मई को समाप्त होने वाला था? तो जिसका जवाब है 1 जून। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शेन लूंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया है जो 4 मई को समाप्त होने वाला था। दरअसल प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सिंगापुर में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1,111 नए केस सामने आए जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 9,125 हो गई। प्रधानमंत्री ली हसियन लुंग ने अपने नागरिकों से सख्त प्रतिबंधों को पालन करने और एक दूसरे की मदद करने का आग्रह किया है। सिंगापुर की राजधानी है पलाऊ उजोंग, करेंसी सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब और प्राइम मिनिस्टर ली शियन लुंग 2004 से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है? जिसका जवाब है चीन। सेबी ने भारतीय कंपनियों में चीनी नागरिकों या संस्थाओं के निवेश को रोकने के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। सेबी ने संरक्षक बैंकों से चीन और हांगकांग के साथ 11 अन्य एशियाई देशों से भारतीय कंपनियों में किए गए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का विवरण मांगा है। गौरतलब है कि FDI का विनिमयन वित्त मंत्रालय द्वारा और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का विनिमयन सेबी द्वारा किया जाता है। इन प्रावधानों से भारतीय बाजार में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप की बेहतर निगरानी भी की जा सकेगी परंतु निवेश संबंधी नियमों में सख्ती से चीन के साथ अन्य देशों से आने वाले विदेशी निवेश में भी कमी आ सकती है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ली केकियांग, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, वो करेंसी रेनबिनबी या युआन। रेनबिन भी जैसे अपने यहाँ पर पैसा होता है ऐसे वहाँ पर रेनबिन भी है और जैसे अपने यहाँ पर रुपया तो वहाँ पर युआन होता है। तो पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जिसका जवाब है 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। इस साल पृथ्वी दिवस की थीम क्लाइमेट एक्शन है जबकि पिछले साल इसका थीम प्रोटेक्ट अवर स्पीसीज था। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाने तथा दुनिया भर के में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस को पहली बार 1970 में 22 अप्रैल को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? जवाब है सुदर्शन बाबू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सुदर्शन बाबू को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है और वह यह सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। वह वर्तमान में इंटरडिसिप्लिनरी
रिसर्च एंड ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ब्रेडसन सेंटर के निदेशक हैं। साथ ही ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी गवर्नर के उन्नत विनिर्माण के अध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका जवाब है पुलेला गोपीचंद। यह कार्यक्रम 3 सप्ताह तक हफ्ते में 5 दिन चलेगा और इस दौरान संपूर्ण कोर्स को 39 विषयों में बांटा गया है। इस ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों को शीर्ष स्तर के कोचों से विस्तार से सीखने का मौका मिलेगा। पहले सत्र में कोच पुलेला गोपीचंद के अतिरिक्त 2 विदेशी कोच भी मौजूद थे। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया? जिसका जवाब है 6। केंद्रीय मंत्रालय ने 6 अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीमों का गठन किया है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। ये टीमें केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि टीमें गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के उपायों की अनुपालन, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियों, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और राहत शिविरों में मजदूरों और गरीबों की स्थिति पर गौर करेंगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए महेंद्र सिंह धोनी, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी कपिल देव। तो सही जवाब है रोहित शर्मा। यह अकादमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोचिंग की सुविधा देगी। क्रिक किंगडम की मदद से कोचों की सेवाएं लेने के अलावा मैदान और नेट की सुविधा की बुकिंग की जा सकती है और साथ ही यह अकादमियों का प्रबंधन भी करती है। रोहित शर्मा का नाम अकादमी के निदेशक के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, 180 देशों के बीच पेरिस स्थित रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर द्वारा संकलित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में नॉर्वे शीर्ष पर है। इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी लिख सकते हैं जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर और कमेंट्स भी करें।